करते हैं, हम इनको जो है छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये बताइए कि जहां तक कहा जा रहा है बहुत सारे दिखा आपने, बहुत सारे ज्योतिष भी हैं, बाबा में क्या खास दिखा आपको? बाबा में, बाबा का जो फोरकास्टिंग होता है, इनकी जो गणना होती है, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी या गणना जो करते हैं, भविष्यवाणी तो बोल देते हैं लेकिन गणना जो ये करते हैं लिखित कर देते हैं, जिस पर किसी का आज तक रेप नहीं लगा हुआ है। क्या बात है। तो ये बताइए कि जिस तरह से और भी तो बाबा के बारे में कुछ खास बातें मुझे बताइए। अच्छा। जो बाबा आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इनके में, इनमें वो चीजें जो आप कहीं नहीं देखते हैं। बाबा का ये चीज है ना, आप जो बोल रहे हैं खास खास बात जो किसी में नहीं दिखता, क्योंकि आज के दिन में हम इनके खास आदमी हैं, समझे ना। ये तो आप बताइए खास है कि नहीं, तो हमको नहीं पता। और इनकी खासियत जो है, हम कितना भी इसको वर्णना करें कम ही लगेगा हमको, कम ही लगेगा जिस तरह से आप पूछिएगा, जिस एंगल से जानना चाहिएगा। तो हमने सुना कि बाबा ने अबुल कलाम भी आए थे, उनके लिए भी उन्होंने पूजा की थी। हाँ हाँ। और अभी भविष्यवाणी की थी उन्होंने, जिनके जिनके, जिनके जिनके विषय पर भविष्यवाणी किए थे, इस कुर्सी पर बैठकर हमने इस चीज को सुना है, और वो जो है पूरा जो है माने फलीभूत हुआ है। जिसको, हाँ, जिसको हारने के लिए बोले थे वो हार गया, जिसको बोले थे टिकट नहीं मिलेगा उसको टिकट नहीं मिला, जिसको बोले थे जीतने के लिए वो जीत गए। अच्छा, एक बात बताइए, और भी ज्योतिष लोग हैं जो ऐसे हाथ देखते हैं, बाबा के बारे में सुना है कि वो हाथ ही देखते हैं? हाथ नहीं देखते हैं, इनका है जो आपका जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, ये तीनों लेके इसके जो है गणना करते हैं। और एक इनका और स्पेशलिटी यह है, ये एस्ट्रोलॉजिकल एक्सरे करते हैं। हाँ। मान लीजिए आपको पास अगर जन्मतिथि नहीं हो या कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, एग्जैक्ट फल पर आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो बाबा का जो एस्ट्रोलॉजिकल एक्सरे है वो समझिए जैसे एक्सरे होता है, उसी टाइप का गणना करके उसके बेसिस पर निकाल देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आर बिफोर चैनल से बात करने के लिए। आप लोग आइए 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 आप लोग आइए आप बताइए आप लोग आइए इधर आइए आप लोग भी देख रहे हैं बाबा के पास। बताइए आप लोग बाबा कब से जाते हैं? बाबा कोई 15-16 साल से जाते हैं। बाबा कुछ खास बात बताइए, बाबा में क्या चीज़ है? बाबा के खास बात आज तक इनका झूठ साबित हो गई नहीं थी। हाँ, जो भी बोलते हैं सही। क्या बात है, आप और भी लोग हैं भाई इधर, क्या है तो साबित सही होता है ना एकदम? शास्त्री जी है क्या? देखिए कौन, आइए आप आइए शास्त्री जी है, इधर आइए 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 आप आइए। बताइए आप बाबा के साथ रहते हैं, बताइए बाबा के कुछ खास बात है, क्या चीज़ें इनमें खास है? बाबा का सबसे बढ़िया खास बात है एस्ट्रो एक्सरे का। हाँ। उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का भूत, हाँ, भविष्य, वर्तमान तीनों बता देते हैं। हाँ। वाह क्या बात है। तो बाबा की भविष्यवाणी बहुत सही होती है, अभी इन्होंने चुनाव में भविष्यवाणी की थी। जी जी, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक और भी हमारे साथ आइए, बताइए बताइए बाबा कुछ खास बात है बाबा के बारे में। बाबा बहुत अच्छे हैं, नीतीश कुमार भी बहुत सारे भविष्यवाणी किए हैं, सब सही है एकदम परफेक्ट है। एक साल पहले का भविष्य, आप लोग आस्था बाबा से है जी, बहुत है ना, तो भविष्य में अच्छा नजर आ रहा है, बाबा की भविष्यवाणी अच्छी होती है। नहीं, आप भी तो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं गुप्ता साहब, सचिन जी महाराज, तो आप आपका क्या आकलन है इनके बारे में? बाबा के बारे में बता दो, मैंने बाबा की भविष्यवाणी सुनी, हमेशा देखा बाबा, क्योंकि आप बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत मुझे लगता है आप सलमान खान के साथ हैं, आप मुंबई में जितने बड़े स्टार्स हैं सबके साथ मैंने आपका फोटोग्राफ से देखा है, उसके बावजूद भी हम लोग का बिहार का सौभाग्य है कि आप बिहार के धरती पर हैं और हम लोग के साथ हैं, तो आप इतने वर्षों से जुड़े हैं, इतने ज्योतिषियों से जुड़े हुए हैं, आप इन्हीं से क्यों आते हैं पूछने, और लोगों से क्यों नहीं, आपको क्या खासियत लगती है इनकी? मैंने देखा कि जब मैं फर्स्ट टाइम बाबा के पास आया था तो मुझे लगा था बाबा मेरा हाथ देखेंगे, उस पर देखेंगे बताएंगे, लेकिन बाबा ने पहले कहा कि मैं और मेरे साथ एक मेरी जो कहते सहयोगी थी, दोनों को ने बिठा दिया, बोला कि हम हाथ नहीं देखते हैं। फिर बाबा ने क्या किया, एक वो हमारे लिए पेन निकाला और कलम, और वहाँ से हमारी जन्मतिथि पूछी, और जन्मतिथि के बाद उन्होंने सारी चीज़ें हमारी बता दी, कहाँ मैं कब बीमार हुआ, कब मुझे क्या प्रॉब्लम्स आए, अभी मेरे कितने दिन तक प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, कब मेरे घर में पितृ शोक होने वाला, मेरे पिताजी के बारे में जो सटीक भविष्यवाणी इस तरह से की थी उन्होंने लगभग, लेकिन बाबा ने खुल के नहीं बोला क्योंकि मुझे कहीं हर्ट ना हो, लेकिन बाबा ने मुझे सारा किया था कि 1 से 1.5 साल अंदर पापा के साथ कुछ आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला था, वो हुआ। तो बाबा की बातें मैं तो खुद एक सामने सबूत हूँ कि पितृशोक के लिए बाबा कभी झूठ नहीं बोलेंगे मुझे, अब वो हुआ मुझे, मेरे पापा बीमार थे, मैंने उनसे पूछा था, पापा ने कहा था कि सचिन जी मेरे बात सोच के पड़ी, लेकिन 1 से 1.5 साल अंदर हुआ, एक बहुत बड़ा आघात हो सकता था, वो आघात भाई 2018 में मेरे पिताजी की मृत्यु हुई जनवरी में, और वो चीज़ें मैंने बाबा से 2017 में पूछी थी। तो बाबा इसलिए मेरे लिए बाबा जी बहुत खास है, और मैं इनको इस चीज़ के लिए कि बाबा एक ऐसे, बाबा का नाम जब आता है तो आप सोचते हैं बाबा बहुत बड़ा बाल, बाबा का बहुत बड़ा दाढ़ी, बाबा का बहुत ये, लेकिन ये मेरे बाबा जो हैं एकदम जो कह सकते, अगर आप इनको सिंपल देखेंगे तो बोलेंगे कॉलेज के स्टूडेंट हैं या एक कहीं शिक्षक होंगे,
तो बाबा ने एक परिभाषा बदल दिया बाबा का, जो बाबा का जो परिभाषा था कि बड़ा टीका, बड़ा चेला, चोंगा, ये सबसे मेरे बाबा ये जो है इनके बारे में बताओ, ये बिल्कुल बाहर है। आप इनको कभी भी नहीं देखेंगे ना तो आप नहीं समझ सकते कि बाबा इतनी दूर की सटीक भविष्यवाणी करने वाले वही श्रीमती त्रिपाठी जी, ये कुछ और है। इनका चेहरा, इनका ग्लो देखें आप, इन्होंने भविष्यकर्ताओं की जो परिभाषा बदल दी है, वो बाबाओं की, जो बाबा जो जिस तरह से ढोंगी बाबाओं का जो एक बहुत बड़ा महाजाल फैला हुआ है, लोगों को जाल फैला का मतलब बाबा ने कभी नहीं किया। अगर बाबा कभी भी देखते तो सटीक बातें करते हैं और वही बातें करते हैं, और बाबा के सामने खासियत बाबा कोई दान नहीं लेते हैं। आप इनके पास आते हैं तो कभी भी आपसे किसी चीज़ की डिमांड नहीं करेंगे, वो आपकी शक्ति है। बाबा के साथ बहुत छोट दुख जुड़े, अच्छे जुड़े, थोड़ा गरीब तबके के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बाबा बहुत कुछ करते हैं, तो वो उनके लिए आप अगर चाहें तो उनको कर सकते, लेकिन बाबा ने कभी किसी से डिमांड नहीं किया। ये सबसे बड़ी खासियत है।